तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये है छोटा सा मछली, छोटी वाली मछली जिसे हम आज छोटे नाले में पकड़ने गए थे खेत तरफ। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज हम इसे पत्ते में बनाएंगे और कुछ इस प्रकार से चारों तरफ सिलाई करते जाते हैं चारों तरफ। देख पा रहे हैं ये कितना अच्छा दिख रहा है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत, और खाने के बाद पता चले कितना स्वादिष्ट बना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये है छोटा सा मछली, छोटी वाली मछली जिसे हम आज छोटे नाले में पकड़ने गए थे खेत तरफ पकड़ने गए थे। और ये जो देख पा रहे हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा, तवे से हमने इसकी एक अलग सी रेसिपी बनाई थी। अभी हम नया बनाने जा रहे हैं, एक नया सा रेसिपी एक पत्ते में बनाएंगे जिसे हम पान पुड़गा बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, एक नया रेसिपी बनाते हैं पान पुड़गा। इस मछली में भी पिछली बार की तरह हम थोड़ा सा हल्दी मिला लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हल्दी मिर्च नमक लेने के पश्चात तो उसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और एक पत्ता जिसे हम लोकल भाषा में सियाड़ी पत्ता बोलते हैं, और उसमें लेंगे अभी। तो पहले सबसे पहले मिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज हम इसे पत्ते में बनाएंगे और सियाड़ी पत्ता लेके इसमें जो मिक्स किए हैं छोटी मछली को इसमें डालते जा रहे हैं। और सियाड़ी पत्ता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अब धीरे धीरे इसको थोड़ा थोड़ा फैला देते हैं पूरे पत्ते के ऊपर, और देख पा रहे हैं अच्छे से। अब पूरी तरह फैलाने के बाद दोस्तों इसको पत्ते से ढक देते हैं, उसी पत्ते से ढक देते हैं। और सभी तरफ अच्छे से ढकना चाहिए पत्ता को। और उसके बाद उसको छोटे से लकड़ी से इससे सिलाई कर देते हैं पत्ते को। तो चलिए सिलाई करते हैं इस कुछ इस प्रकार से, और कुछ इस प्रकार से चारों तरफ सिलाई करते जाते हैं चारों तरफ। चारों तरफ सिलाई करने के पश्चात दोस्तों हम इसे तवे में लेकर चूल्हे के ऊपर रखकर धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देते हैं और इसको ढक देते हैं। देख सकते हैं ऐसा ढक ढक देते हैं। कुछ देर रखने के पश्चात दोस्तों ये लगभग थोड़ा सा पक गया है। तो हम ऊपर के भाग को नीचे और नीचे के भाग को ऊपर इस प्रकार तवे में पलट देते हैं, और पलट पलट कर इसको धीरे धीरे धीमी आंच में पकाते जाते हैं। तो दोस्तों लगभग ये हमारा पुड़गा बन गया है, और हम इसको थोड़ा सा पलटा देते हैं, सरका देते हैं, थोड़ा धीमी आँच में पका लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसको खोल के। देखने से इस प्रकार लग रहा है दोस्तों हमारा पान पुड़गा पक गया है, पान पुड़गा बन गया है। तो देखते हैं इसको खोल के। अब इसको खोल के देखते हैं, वहाँ जो लकड़ी से हम सिलाई किए थे उसको निकालते जाते हैं बारी बारी से। और ये पक गया है, बहुत अच्छा पक गया है लग रहा है, और खुशबू भी आ रहा है, सेंट जो इसका इसकी खुशबू है देख सकते हैं इस प्रकार दोस्तों। ये देखिए कितना अच्छा और बहुत खूबसूरत, बहुत गर्म लग रहा है, हाथ से बार बार छूट रहा है, अभी गर्म है। और देख पा रहे हैं ये कितना अच्छा दिख रहा है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत, और खाने के बाद पता चले कितना स्वादिष्ट बना है। तो देख पा रहे हैं कितना बहुत बढ़िया, बेहतरीन, अच्छा सूखा छोटी मछली की रेसिपी, इसको हम पुड़गा बोलते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं ये पत्ते वाला रेसिपी मछली द्वारा पकड़े थे, इसको पत्ते में हम बनाए हैं।
आप देखे होंगे, और ये इस प्रकार से बनकर तैयार हो गया है। और ये जो देख पा रहे हैं, ये गजर का दिख रहा है, और इसका भी टेस्ट करते हैं अभी, ऐसा निकलेगा ये। और इसको उठा कर देखते हैं गजर का, हाँ बढ़िया लगा, अच्छा लगा। तो देखिए, और ये गजर का टेस्ट नियर है छोटे मछली का। तो दोस्तों देख सकते हैं, आप भी ट्राई कीजिए एक बार, और ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर ज़रूर कीजिए। हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे इसी प्रकार के नए नए वीडियो के अपडेट अब तक आसानी से पहुँचते रहेंगे। तब तक लिए आप सभी को सेवन जो आप जय छत्तीसगढ़, जय भस्त।